हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक यूनिक और बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी। आपने बहुत खाई होंगी अरबी की सब्जी की रेसिपी, बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन आप मेरे तरीके से दही वाली अरबी की सब्जी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं दही वाली अरबी की सब्जी बनाने। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा केजी मतलब 500 ग्राम अरबी ले ली है। इनको मैंने अच्छे से 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है, इन पर मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं कुकर में। तो सारी अरबी को मैं कुकर में डाल देती हूँ और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 कप के करीब। वैसे बंद करके गैस पर चढ़ा देते हैं और इसमें हमें ज़्यादा से 1 सीटी आने देनी है और हमें इसको बंद रहने देना है। इसकी सीटी को हमें खुद पे खुद निकलने देना है, इसको हमें खुद नहीं खोलना, तो ये आराम से पक जाएंगी, हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरी अरबी निकाल दी थी, इनको ठंडा करने रख दिया है। तो अब इनको मैं छील लेती हूँ, थोड़ी ठंडी हो गई हैं तो इनको मैं छील लेती हूँ चाकू की सहायता से, क्योंकि हमने इन्हें ओवर कुक नहीं किया है तो इतनी आसानी से ये छिलेंगी नहीं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं चाकू की सहायता से सारी अरबियों को छील के तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और किस किस ने दही वाली अरबी की सब्ज़ी खाई है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं मैं सारी अरबियों को छील के कर लूँगी तैयार। तो यहाँ पे मैंने सबको एक प्लेट पर रख लिया है। तो यहाँ पे सारी अरबी मैंने छील ली हैं और इनकी अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो थोड़े बड़े बड़े पार्ट में इस तरह से मैं अरबी को काट के तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काटना है सारी अरबी। तो आप देख सकते हो साइज, ऐसे ही सारी अरबी काट के हम तैयार कर लेंगे। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है और बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट ये सब्ज़ी अरबी वाली बन के तैयार हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना मैं इस तरह से बड़े बड़े काट रही हूँ, और हमें इन्हें कच्चा ज़्यादा ओवर कुक इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। अगर हम अभी इन्हें ओवर कुक कर लेंगे तो इनका हलवा सा बन जाएगा। अरबी ना बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारी अरबी मैंने कर ली है काट के तैयार। तो इनमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं खाली बाउल में। अब यहाँ पर हमें डालने हैं इसमें कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली, छोटी वाली चम्मच। यहाँ पे डालूँगी मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। इसका डाला मैं धनिया पाउडर, और इसमें तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से ना आप ये सब्ज़ी बनाओगे ना बहुत ही टेस्टी और मसालेदार एकदम क्रिस्पी सी बन के तैयार होगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मिला ली हैं, इसे ढक के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं अब अच्छे से फिर से मिला लेते हैं और चलते हैं ना फ्राई करने के लिए। तो गैस पर रख दी थी कढ़ाई, इसमें ले लिया मैंने ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल ले लिया, सरसों का तेल लिया है मैंने, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। तो ऑयल को मैं अच्छे से गर्म हो जाने दूँगी। तो ऑयल हो गया यहाँ पर मेरा अच्छे से गर्म। तो यहाँ पर जो मैंने अरबी मसाला लगा के तैयार करके रखी थी ना, उन सबको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इन अरबियों को मुझे अच्छे से जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता, अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती, तब तक फ्राई करना है। इनके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए तब तक मैं इन अरबियों को फ्राई करेंगे। तो ये ना अरबी की सब्ज़ी ना जिस किसी को नहीं खाने में पसंद आती है, अब इस तरह से बनाओगे ना सब खाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद भी आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपके अगर कोई गेस्ट आ रहा तो इस तरह से आप अरबी की सब्ज़ी बनाओगे ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई। तो इसको मैं ना अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो इसके ऊपर की परत जो है वो तो गोल्डन हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये नहीं पक पाएगी क्योंकि हमने इन्हें प्रॉपर नहीं पकाया है अरबी को, अभी थोड़ी कच्ची हैं तो हमें इनको थोड़ा सा पकाना भी है इस टाइम पर। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ये प्रोसेस पूरा करना है और इसे ढक के भी नहीं पकाना है, हमें एकदम खोल के ही पकाना है। तो आप देख सकते हैं सारी अरबी पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं निकाल लेती हूँ इनको। तो एक प्लेट पे मैं सारी अरबियों को निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरह से निकालने मैंने सारी अरबियों को निकाल लिया है। तो ऑयल में इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ, 2 चम्मच के करीब, क्योंकि ऑयल अभी थोड़ा कम लग रहा है, मसाले डाल के भूनने हैं तो ऑयल थोड़ा कम है। तो 2-3 चम्मच के करीब मैं ऑयल ले लिया है। मैं ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने, तो ऑयल हो गया गरम, यहाँ पर डाल दिया मैंने आधा चम्मच जीरा, जीरे को अच्छे से पक जाने देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज को पीस के डाल दिया है, प्योरी बना के डाल दिया है मैंने प्याज की। और प्याज को मुझे अच्छे से अब भून लेना है, जब तक प्याज पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमें प्याज को भूनना है। तो मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी, प्याज जल ना जाए हमारी, इसलिए। और प्याज को अच्छे से पका लेना है।
तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है। अगर आप प्याज को थोड़ा सा भून के लहसुन अदरक का पेस्ट डालोगे ना तो उसका थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और उसको भी हमें पका लेना है। तो मैं इसे चलाते हुए पकाऊँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल दिया मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर। मैंने तीनों मसाले डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इनको तीनों को डाल के भी हमें इसे पका लेना है। नमक अभी हमें कोई ऐड नहीं करना क्योंकि हम दही वाली अरबी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए तीन टमाटर की प्योरी और इसमें डाल दी मैंने साथ में दो हरी मिर्च। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस के ले लिया है। उनको मैं अब अच्छे से भून लूँगी जब तक अच्छा सा ऑयल को छोड़ने लग जाए। यहाँ पर डाल दूँगी 1/4 चम्मच गरम मसाला और अब सारे मसाले को हमें जब तक भूनना है जब तक ये ऑयल को छोड़ने लग जाए या मसाला हमारा कढ़ाई को छोड़ना दे तब तक। तो ये अलग पहचान है मसाले भूनने की। तो बीच बीच में चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना चेंज हो चुका है। मसाला हमारा हो गया भून के तैयार। तब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें 250 ग्राम के करीब दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट के डाला है। इसीलिए मैंने इसमें नमक पहले ऐड नहीं किया था। जब नमक अगर मैं पहले ऐड कर देती ना तो हमारी ये दही डालने का फट जाती। तो यहाँ पे दही को डालने के बाद मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और हमें जब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। और दही भी है ना, ये भी अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, चिकनाई छोड़ेगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल भी कम लिया था। ये फिर हमारी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती क्योंकि मैंने अरबी को भी फ्राई किया था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, एकदम क्रीमी सी लग रही है हमारी ग्रेवी। तो मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और अच्छे से हमें इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे मिला लिया है। तो यहाँ पे अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसमें 1 गिलास पानी और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी मिला के। तो मैं ग्रेवी जितनी पतली रखनी है उतनी हम पतली रख सकते हैं और इसे मैं अब ढक के पका लेती हूँ जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता तब तक। तो मैं इसे ढक देती हूँ और मैं चेक करूँगी जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सब्ज़ी में हमारी में अच्छे से उबाल आने लग गया है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से उबल रही है। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें अरवी जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो मैं सारी अरवियों को इसमें ऐड कर दूँगी। अब उनको ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से ढक के पका लूँगी। तो मुझे ढक के अब तक पका लेना है जब तक कि अच्छे से सब्ज़ी पक नहीं जाती हमारी। तो मैं यहाँ ढक देती हूँ, 3 से 4 मिनट चेक किया तो हमारी सब्ज़ी हो गई है अच्छे से पक के तैयार। तो इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे ये हो गई है बनके तैयार। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अभी गैस को मैंने बंद नहीं किया है क्योंकि अभी नमक डालने के बाद भी हमें सब्ज़ी को पकाना होगा। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने और इसे अच्छे से मिला देती हूँ नमक को मैं। तो नमक को मैं अच्छे से मिला देती हूँ। आप देख सकते हैं सब्ज़ी में कितना अच्छा तो कलर आया है। तो ऐसे ही हमें अपनी ये सब्ज़ी बना के तैयार करनी है। लेकिन अभी हमने नमक डालने के बाद भी इसे 1 मिनट ढक के पका लूँगी जिससे नमक अच्छे से सारी सब्ज़ी में अरबी वगैरह में अंदर तक और जब हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट ढक के अच्छे से पका लेती हूँ। तो 1 मिनट बड़ा चेक करूँगी। यहाँ पर हो गई है मेरी सब्ज़ी एकदम बन के तैयार। गैस को कर दिया है मैंने बंद और इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और हमें इसमें अब कुछ भी नहीं डालना। धनिया पत्ता मिलाने का उसमें चलेंगे हम इसे सर्व करने। अगर आपको मेरी दही अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके लिए ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी मैं। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।